हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटा पर में। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं हम यूपी दरपलेसी ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी चयन परीक्षा 2018 संबंधित टेस्ट पेपर चला रहे हैं, और आज हमारा टेस्ट पेपर नंबर 31 है, जिसमें आज हम आपके लिए इंडिया जीके सेक्शन से पार्ट 6 लेकर आए। पहले फ्रेंड हम 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने 125 क्वेश्चन डिस्कस किए। आज हम 126 नंबर से 150 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। जिन फ्रेंड ने हमारे पहले 5 पार्ट ना देखे हमारे चैनल बीटा पर जाकर देख सकते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और फ्रेंड, वीडियो के इनमें आप कमेंट सेक्शन में हमें 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही गए जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड, हम आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड 126 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ए विंध्य, वी हिमालय, सी अरावली, डी सतपुड़ा। 126 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी अरावली। 127 नंबर क्वेश्चन, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? ए म्यांमार, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। 127 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड ए म्यांमार। 128 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी गंगा, डी गोदावरी। 128 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी गंगा। 129 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। 129 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड ए मध्य प्रदेश। फ्रेंड, आपके जितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं नोट डाउन करते चले, और हमें वीडियो के में कमेंट सेक्शन में बताएं आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए चिनाब, बी रावी, सी सतलज, डी ब्यास। 130 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी सतलज। 131 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठी जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ए पुष्कर, बी लोकटक, सी बुलर, डी डल। 131 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी उलर। 132 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। 132 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी मणिपुर। 133 नंबर क्वेश्चन, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर किस राज्य में स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। 133 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी जम्मू कश्मीर। 134 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है? ए मानसरोवर, बी चिल्का झील, सी पुलिकट, डी डल झील। 134 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी चिल्का झील। 135 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी बिहार में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। 135 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड डी उत्तर प्रदेश में। 136 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम बहुद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया? ए कावेरी, बी गोदावरी, सी दामोदर, डी कोयना। 136 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी दामोदर। 137 नंबर क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है? ए जून सितंबर में, बी अक्टूबर नवंबर में, सी जनवरी फरवरी में, डी मार्च मई में। 137 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी अक्टूबर नवंबर में। 138 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? मावसिनराम, बी बीकानेर, सी शिमला, डी इनमें से कोई नहीं। 138 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड ए मावसिनराम। 139 नंबर क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? ए झेलम, बी सतलज, सी ब्यास, डी चिनाव। 139 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड डी चिनाव। 140 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल, डी तमिलनाडु। 140 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड ए उड़ीसा।
141 नंबर, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? ए दक्षिण पूर्व, बी दक्षिण पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी उत्तर पश्चिम। 141 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी दक्षिण पश्चिम। 142 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी देहरादून, सी भोपाल, डी नागपुर। 142 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी देहरादून। 143 नंबर क्वेश्चन, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिस वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोद भावे, सी के एम मुंशी, डी महात्मा गांधी। 143 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी के एम मुंशी। 144 नंबर क्वेश्चन, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? ए 2.11%, बी 2.82%, सी 1.9%, डी इनमें से कोई नहीं। 144 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी 2.82%। 145 नंबर क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किब की गई थी? ए 1999 ईस्वी में, बी 1989 ईस्वी में, सी 1981 ईस्वी में, डी इनमें से कोई नहीं। 145 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी 1981 ईस्वी में। 146 नंबर क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? ए नई दिल्ली, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। 146 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी कर्नाटक। 147 नंबर क्वेश्चन, भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? ए वर्षा सवाना, बी पतझड़ वन, सी कांटेदार, डी झाड़िया। 147 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड बी पतझड़ वन। 148 नंबर क्वेश्चन, भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी कर्नाटक। 148 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड सी उत्तर प्रदेश। 149 नंबर क्वेश्चन, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। 149 नंबर का राइट आंसर है फ्रेंड डी मध्य प्रदेश। 150 नंबर क्वेश्चन, भारत में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए असम, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। 150 नंबर का राइट आंसर फ्रेंड डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलती रहे। और फ्रेंड आपके 25 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन सही गए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू फ्रेंड।